सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की दिया। पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की दिया। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने पार्टी का और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी शुक्रगुजार हूं कि इस ऐतिहासिक बिल पर इस ऐतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। सर सी बात कह सकता है? प्लीज बैठिए। सर माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी? पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। निशिकांत जी, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं वो मैं उदाहरण हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। आज जब मैं पार्लियामेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भर्ती है सर, उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोलो। और इसीलिए कहा उसने कि जो महिला है सर,